पहली बार जब मैंने ड्रोन देखा था 3 Idiots की मूवी में, मैंने सोच रखा था कि जब कॉलेज जाएंगे तो ड्रोन तो पक्का बनाना ही बनाना है कैसे भी। हेलो, आई एम डाली। आई एम अनुज कुमार सिंह। दिस इज शुभम। ड्रोन के बारे में सीखा, मतलब वो क्या करता है, कैसे करता है। सुन के तो हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। ओ भाई, फील अलग ही थी, मजा ही आ गया। क्लासरूम खचाखच भरा हुआ था, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। I'm Dhruvin Dodia. I'm a DGCA certified drone pilot. I'm into drone industry since 7 years. तो बिल्डिंग स्टार्ट करें। Today students built this Pluto Nano drone. तो सर ने पहले बताया कि ड्रोन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। This is a completely open source drone. Basic flying can be done using a mobile application. वो कहते हैं ना इंडिया में छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस ये वही है। हमें सर ने बहुत ही आसानी से वीडियो विजुलाइजेशन करा के उसको फॉलो करते हुए हमने उस ड्रोन को बिल्ड करा। And then right joystick control pitch forward and pitch backward. सर ने बताया कि अब इसके बाद हमें कंपटीशन करने वाले हैं। इसमें हमको बस एक रिंग के अंदर से ड्रोन अपना पास करवाना था, कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे ज्यादा राउंड कर सकते हैं उसका कंपटीशन था। पहले तो डर लग रहा था कि कहीं हमसे ड्रोन टूट ना जाए। हमने सोचा अरे ये तो जीतना होगा, फिर जीतने की खुशी में जाते जाते पता चला हमारा एक ही पास हुआ। बट एक पॉइंट के बाद हमको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हम भी उड़ा सकते हैं ड्रोन। ये सब तो फिर भी मेरे लिए बहुत इजी था। बट देन सर ने ड्रोन लिया और उसको फेंका और वो उड़ने लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल हमने यूज किया कि व्हेन द ड्रोन इज इन द आर्म तभी उसमें कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे ड्रोन को हम थ्रो करते हैं एक एक्सेलरेशन रिकॉर्ड होता है एंड देन द ड्रोन स्टार्ट्स टेकिंग ऑफ। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वीडियो में देखने में और असली में उड़ाने में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि वीडियो में तो बस उड़ा रहा था, बट जैसे मैंने खुद से उड़ाने की कोशिश की तो बहुत मजा आया। सच्ची ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे सोचा नहीं था, लेकिन बहुत मजा आया। तो आज हमने ड्रोन को कोड किया एंड देन ड्रोन फ्लाई किया। अभी तक थकान है लेकिन फिर भी ड्रोन उड़ाने का मन कर रहा है। तो आज का दिन हमारा ऐसे शुरू हुआ था कि हमें पहले सर ने बताया कि आज हम ड्रोन को उड़ाने वाले हैं डायरेक्टली हमारे कोड के थ्रू। When asked them कि अभी बड़े ड्रोन पे क्या करना है, then everyone was like delivery। सीख ही गया था सब कुछ लगभग, बट सर फिर आए और उन्होंने बोला कि अब इसको और चैलेंजिंग करते हैं। मैंने सोचा कि उन्हें एक चैलेंज दिया जाए कि फर्स्ट हम ये ड्रोन से मैनुअल डिलीवरी परफॉर्म करेंगे, एक लोकेशन से पार्सल पिकअप करेंगे, मैनुअली फ्लाई करेंगे दूसरे लोकेशन पे विच इज विद इन दिस कैंपस ओनली एंड देन वहाँ हम वो पार्सल ड्रॉप करेंगे। Honestly, the students at Newton School of Technology were grasping each and everything very quickly. So, मैंने decide किया उन्हें demonstration दिखाया जाए of an automated delivery system. So, हमने GPS map में एक predefined waypoint path create किया, जिसमें college के gate से college के अंदर एक location B में हमें parcel deliver करेंगे. Action. अगर कॉलेज में हॉस्टल में बैठ के चिल कर रहे हैं, हमें पार्टी करनी है, तो कुछ ऑर्डर किया है, तो हमने सोचा कि अभी ये ड्रोन से ही करेंगे, खाना लेके आएगा और हम आराम से खाएंगे। So this pretty much ends up उसको कंट्रोल करके उसको यहाँ से उड़ाना और फटकाना, वो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। आई विल से इट वाज ए ऑसम एक्सपीरियंस हैविंग टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन एंड देन फ्लाइट। सो लास्ट वर्ड्स वुड बी बिल्ड एंड कोड बट दिस टाइम इट वुड बी स्क्रू ड्रिल।